नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है महेश बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास सिक्स ट्वेल्व पढ़ाऊँ, जो कि आपका ये किताब जो है इतिहास का, इससे हम लोग जो है आपका एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का जो है भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 15 नंबर, जो कि आपका हर्ष और उसका साम्राज्य। ठीक है, तो हर्ष और उसके साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका सामने चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे और इसका पार्ट नंबर पहला वीडियो आएगा। तो देखिए अध्याय 15 हर्ष और उसका साम्राज्य आ गया है, तो पढ़ते हैं। तो पुष्य भूति वंश, तो आपका सबसे पहले इसका पढ़ेंगे पुष्य भूति वंश के बारे में। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक पुष्य भूति था और उसी के नाम पर पुष्य भूति वंश का नाम से विख्यात हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है इस वंश का संस्थापक पुष्य भूति था और इसी के नाम पर यह पुष्य भूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। और पुष्य भूति ने गुप्त राजाओं के दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पुष्य भूति वंश इस वंश का संस्थापक पुष्य भूति था और इसी के नाम पर यह पुष्य भूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। और पुष्य भूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आपका इसका नाम है थानेश्वर के पुष्य भूति वंश। तो आपका थानेश्वर के पुष्य भूति वंश जिसके सबसे पहले शासक का नाम है राजा का नाम नरवर्धन, उसके बाद आपका राज्यवर्धन प्रथम। ठीक है, तो नरवर्धन के बाद आपका राज्यवर्धन प्रथम। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आदित्यवर्धन, तो आदित्यवर्धन इसका विवाह हुआ था महासेन गुप्ता से। ठीक है, आदित्यवर्धन के बाद आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन के बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, इसके दो पुत्र और एक पुत्री थे। ठीक है, तो आपका जो है राज्यवर्धन द्वितीय हर्षवर्धन और आपका पुत्री जो थी राजश्री ये आपकी पुत्री जो थी राजश्री मखरी रानी थी। ठीक है, पुत्री का विवाह बल्लभी के ध्रुवसेन दो के साथ हुआ था। ठीक है, तो आपके पुत्री का विवाह जो है राजश्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, और आखिरी राजा इसका है आपका जो धरासन चौथा। ठीक है, तो धरासन चतुर्थ आपका बल्लवी का आखिरी शासक था। ठीक है, तो आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो आपका जो प्रभाकर वर्धन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन से। ठीक है, तो पढ़ते क्या है इसके बारे में। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, और उसे जो है उसे हुन रूपी हरिन के लिए सिंह समान सिंधुराज के लिए स्वर के समान गुर्जर प्रजागर गुर्जरों की नींद हराम करने वाला गंधारी दीपदन तो दीप कुट हस्तीज्वरों गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्तज्वर या धातक महामारी के समान। ठीक है, और लाट लाट पाट बपाट चरु तो लाट पाट पपाट चरु संचरता को नष्ट करने वाला एवं मालव लक्ष्मी लता परसु मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। ठीक है, तो उसने काफी बड़ा जो उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था और उसे हुन रूपी हरिन के लिए सिंह समान। ठीक है, सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज तो सिंधुराज के लिए ज्वर के समान तीसरा उपाधि था गुर्जर प्रजागर तो गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। ठीक है, और चौथी चौथा उपाधि था गंधारा दीपगंध दीपपुट हस्तीज्वरों तो गंधार के रूप राजा रूपी तो गंधार के राजा रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्तज्वर या धातक महामारी के समान। पांचवा आपका था लाट पाट व पाट चरु चंचलता को नष्ट करने वाला। ठीक है, एवं मालव लक्ष्मी तो मालव लक्ष्मी लता परासु। ठीक है, मालव की तो मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। ठीक है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मकरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मकरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो मकरी वंश क्या थे पढ़ते हैं। तो मकरी मूलतः गया बिहार के निवासी थे और ये गुप्त शासकों के सामंत थे। ठीक है,
और मकरी वंश का संस्थापक हरि वर्मा 510 ईस्वी में था, ठीक है, और जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था हरि वर्मा ने, ठीक है। और मौर्य के, तो मौर्य के इतिहास के विषय में वानभट्ट रचित हरचरित हरालेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश, असीगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मकरी वंशी मुद्राओं फैजाबाद के पिटौरा से प्राप्त से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो मौर्य के इतिहास के विषय में, वानभट्ट रचित हरचरित हरालेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश असीगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, मकरी वंशी मुद्राओं फैजाबाद के पिटौरा से प्राप्त आपके जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इस वंश में हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं ग्रह वर्मा आदि शासक हुए, ठीक है। तो इस वंश में हरि वर्मा, ठीक है, आदित्य वर्मा, ठीक है, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा, अवंती वर्मा एवं ग्रह वर्मा आदि शासक हुए, ठीक है, आपके मकरी वंश में, ठीक है। तो हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा, ठीक है। मकरी शासक, तो मकरी शासक ग्रह वर्मा, ठीक है, तो मकरी शासक ग्रह वर्मा 600 से लेकर 605 ईस्वी का विवाह थानेश्वर के पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था, ठीक है। तो मकरी शासक ग्रह वर्मा का जो है विवाह थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका राज्यवर्धन के बारे में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है, हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यवर्धन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, तो इसके बारे में पढ़ेंगे राज्यवर्धन द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो राज प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन में बैठा और उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है और ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद आपका जो है राज्यवर्धन थानेश्वर के गद्दी पर बैठा और उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल का शासक शशांक और मालवा का शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और सदा ग्रह वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर दिया है। इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। परंतु शशांक बंगाल का शासक गौड़ शासक ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है। हर्षवर्धन, तो आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था, ठीक है, और हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी में हुआ था, लगभग हुआ था, और वह प्रभाकर वर्धन का वह यशोमती का पुत्र था, ठीक है। तो आपका जो हर्षवर्धन है वह आपका प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था, ठीक है। तो आपका प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था आपका जो है हर्षवर्धन, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री पुत्री थी, ठीक है। तो हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन, तो हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था। राजवर्धन की हत्या के बाद, तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना और सिंहासन ग्रहण करने के, ठीक है, आगे पढ़ते क्या आपका दिया पढ़ते एक मिनट उठे। तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना और सिंहासन ग्रहण के सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा, ठीक है। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसवेग मिला था, ठीक है। तो मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसवेग मिला, ठीक है, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा और जिसे हर्ष ने हर्ष स्वीकार कर लिया, ठीक है। और आगे बढ़ने पर उसे मंडी में सूचना तो आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है, ठीक है। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उसे समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी, ठीक है। और हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया और ग्रह वर्मन की हत्या के बाद उसका कोई उच्चाधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से
हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया। तो हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। ठीक है, यह प्रदेश छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, तो हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया और यह प्रदेश छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है अपना अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है, हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के तो हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युगों के आगमन का सूचक था। ठीक है, कन्नौज का क्षेत्र दुआब के मध्य में स्थित था। तो कन्नौज का क्षेत्र दुआब के मध्य में स्थित था सातवीं शताब्दी। ठीक है, तो आपका जो सातवीं शताब्दी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई और हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहासकार बाणभट्ट से ज्ञात होता है। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। जिसने हर्ष चरित नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चीनी यात्री हेनसंग ईसा की सातवीं शताब्दी में। तो चीनी यात्री हेनसंग ईसा की सातवीं शताब्दी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था आपका। ठीक है, हेनसंग। ठीक है, और हेनसंग ने 60 के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1,00,000 घोड़े थे। ठीक है, हेनसंग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1,00,000 घोड़े थे और हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। तो हर्ष आपका सूर्य एवं जो हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। ठीक है, तो हेनसंग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1,00,000 घोड़े थे। ठीक है, हेनसंग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा था। ठीक है, हेनसंग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा था। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया और उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत का विस्तृत था। ठीक है, पूर्वी भारत में उसे सैप शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक है, तो पूर्वी भारत में उसे सैप शासक से युद्ध करना पड़ा और दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो हर्ष राज की सीमा कहाँ थी। तो ठीक है, हर्ष साम्राज्य आपका कहाँ था विस्तृत था। तो देखिए आपका ये आपका सीमा है हर्ष साम्राज्य का। ठीक है, तो इधर आपका पश्चिम में सिंधु नदी तक आपका सीमा था। ठीक है, हर्ष साम्राज्य का और इधर आपका जो ये पूरा कश्मीर तक। ठीक है, कश्मीर होते हुए इधर आपका नेपाल यूपी। ठीक है, ये आपका पूरा आसाम होते हुए। ठीक है, और इधर आपका जो है पूरा बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश और इधर आपका मध्य प्रदेश तक था। ठीक है, तो ये आपका जो है हर्ष का साम्राज्य था। इतना आपका पूरा एरिया हर्ष का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जालंधर था। ठीक है, यहाँ पर पासा नदी, यहाँ पर थानेश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थानेश्वर था और यहीं पर आपका पुष्यभूति वंश का राजधानी था। ठीक है, थानेश्वर में। ठीक है, बाद में इसे जो है कन्नौज के पास, यहाँ पर कन्नौज के पास इसकी राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ था, यहाँ पर मथुरा था। ठीक है, थानेश्वर इंद्रप्रस्थ मथुरा कन्नौज, यहाँ पर गंगा यमुना नदी, यहाँ पर प्रयाग इलाहाबाद, यहाँ पर काशी वाराणसी, यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना नालंदा। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी कामरूप पुण्ड्रवर्धन यहाँ पर था, कर्ण सुवर्ण यहाँ पर समतट, यहाँ पर ताम्रलिप्ति बंगाल में, यहाँ पर महानदी। ठीक है, यहाँ पर महानदी था। ठीक है, यहाँ पर सांची था, यहाँ पर विदिशा था। ठीक है, यहाँ पर उज्जैनी। ठीक है, यहाँ पर दसपुर। ठीक है, यहाँ पर बल्लभी सौराष्ट्र बारुकच मालवा दसपुर, ये आपका नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपका नर्मदा नदी का रास्ता है। ठीक है, इधर और ये आपका ताप्ती नदी का, यहाँ पर अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, और इसके नीचे आपका ये प्रतिष्ठान यहाँ पर था, प्रतिष्ठान आपका नीचे में जो है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये आपका गोदावरी नदी है। ठीक है, ये आपका गोदावरी नदी। ठीक है,
यहाँ पर गोदावरी नदी है और यहाँ पर आपका इधर आपका पश्चिमी चालुक्य था, तो ये एरिया पर पश्चिमी चालुक्य था, ठीक है, और ये आपका पूर्वी चालुक्य का एरिया था, ठीक है, तो इधर आपका पूर्वी चालुक्य और इधर आपका बेंगी का चालुक्य, ठीक है, तो बेंगी चालुक्य पूर्वी चालुक्य यहाँ पर, और यहाँ आपका पिस्तापुर था, यहाँ आपका पिस्तापुर, यहाँ पर कृष्णा नदी, तो ये आपका कृष्णा नदी का रास्ता है, ठीक है, ये आपका कृष्णा नदी का रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पर ये होल है, यहाँ पर बतापी, ठीक है, बतापी, यहाँ पर पटकल वैजयंती, ठीक है, और यहाँ आपका तुंगभद्रा नदी, ठीक है, ये आपका तुंगभद्रा नदी, ठीक है, और यहाँ पर पल्लव, यहाँ पर पल्लव राजवंश था यहाँ पर, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के नीचे पल्लव राजवंश, ये आपका कावेरी नदी, ठीक है, और इसके पास में आपका चोल राजवंश, और इसके नीचे आपका पांड्य राजवंश, यहाँ आपका चेर राजवंश, यहाँ पर मदुरई था, यहाँ पर आपका महाबलीपुरम, और उसके नीचे कावेरी पत्न, ठीक है, और इधर आपका श्रीलंका में अनुराधपुर, ताम्रपर्णी और श्रीलंका था, ठीक है, इधर आपका यहाँ पर सोपारा था, ठीक है, सोपारा, ठीक है, ये आपका ताप्ती नदी, वल्लभी, सौराष्ट्र हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये आपका हर्ष का साम्राज्य था, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये आपका हर्ष का साम्राज्य था, सांची, तो सांची, विदिशा, उज्जैनी, दसपुर, मालवा, फारुकच, ये आपका हर्ष के साम्राज्य में आता था, ठीक है, ये पूरा। नेक्स्ट हम पढ़ते आगे आपका, तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में, तो हर्ष के समय में, तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, तो हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, और राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था, और राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था, ठीक है, हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने बताया है कि, तो चीनी यात्री हेनसांग ने बताया है कि आपका हर्ष की राजकीय आय चार भागों में विभाजित थी, ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय चार भागों में विभाजित थी, जिसमें एक भाग राजा का व्यय के लिए और दूसरा भाग आपका धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था, ठीक है, हर्षकालीन, तो हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल आपका 3 करोड़ का उल्लेख मिलता है, तो हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करोड़ का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण तथा बलि, ठीक है, और हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करोड़ का उल्लेख मिलता है, तो एक आपका है भाग, एक आपका हिरण, एक आपका बलि है, ठीक है, भाग कर, तो आपका भाग कर भूमि कर था, तो भाग आपका भूमि कर था, जो राज्य की, तो जो राज्य की आय का मुख्य साधन था, कृषकों से उनकी उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है, तो कृषकों से उनकी उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, हिरण कर, तो हिरण कर आपका जो नगद लिया जाता था, तो हिरण कर नगद लिया जाता था, और जिसे संभवतः व्यापारी देते थे, ठीक है, सॉरी, बलि कर, तो बलि कर के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो बलि करके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, संभव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है, हर्ष के प्रशासन के, तो हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, तो हर्ष के प्रशासन में, तो हर्ष के प्रशासन में जो है अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे, तो इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी, तो पहले आपका सिंहनाथ, तो आपके ही सेनापति थे, तो सिंहनाथ सेनापति, छपा कुंजल हर्ष सेना का प्रधान, तीसरा आपका सगस्कंदगुप्त, तो आपका हर्ष सेना का प्रधान, और सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख था ये, ठीक है, तो सिंहनाथ सेनापति था, ठीक है, कुंतल कहते थे हर्ष सेना के प्रधान को, स्कंदगुप्त कहते थे हर्ष सेना का प्रधान को, और सामंत या महाराज कहते थे नागरिक प्रशासन का प्रमुख, ठीक है, तो नागरिक प्रशासन का प्रमुख था आपका सामंत या महाराज, ठीक है, तो सेनापति सिंहनाथ, हर्ष सेना का प्रधान कुंतल, हर्ष सेना का प्रधान आपका स्कंदगुप्त, और नागरिक प्रशासन का प्रमुख सामंत या महाराज था, ठीक है, हेनसांग के अनुसार, तो हेनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, और हेनसांग हर्ष की सेना को, तो हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी सेना कहता है, ठीक है, हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं, तो हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है, और सोनीपत की मुद्रा पर विश्व शिव के वाहन नंदी का चित्रण है, तो सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण, नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है, तो नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है, और उसे महेश्वर सार्वभौम व महाराजा धीराज कहा गया, ठीक है, तो उसे महेश्वर सार्वभौम व महाराजा धीराज कहा गया, ठीक है, तो नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा है, ठीक है,
हिंसांग के अनुसार, तो हिंसांग के अनुसार कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया गया था। तो हिंसांग के अनुसार सहर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। ठीक है, नेपाल में हर सम्मत 606 ईस्वी के प्रचंड अंशु वर्मन और उसके उच्चाधिकारी द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। ठीक है, तो हिंसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर जब कन्नौज के निकट एक संग्राम में स्थापित किया था। और नेपाल में हर संबत के प्रचलन अंशु वर्मन और उसके उच्चाधिकारियों द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। ठीक है, हर्ष ने ओड उत्तरी उड़ीसा तत्पश्चात कोगोंडा दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और इन विजयों के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तरा पतनात की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो हर्ष ने आड्रे उसके बाद कोगोंडा गंजाम जिला, ठीक है, वह कलिंग पर विजय प्राप्त की और इन विजयों के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तर पतनात की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसने किस किस की उपाधि धारण की थी, तो सकलोत्तर पतनात हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है श्रीहर्ष हो गया, महेश्वर हो गया, सार्वभौम हो गया और महाराजा धीराज हो गया। ठीक है, इसने बहुत सारे जो है आपका उपाधि धारण किया था। ठीक है, हिंसांग का विवरण, तो हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हिंसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 में चला और अनेक स्थानों पर भ्रमण करके भारत पहुंचा। इसने नालंदा महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया। ठीक है, और आचार्य शिलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, तो आचार्य शिलभद्र जो है हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, हिंसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। आरुक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे। ठीक है, हिंसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, और इस यात्री ने मेहतर चंडाल आदि मछूतों का वर्णन किया। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। ठीक है, तो हिंसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है और इस यात्री ने मेहतर चांडाल आदि अछूतों का वर्णन किया और वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री, तो इधर आपका यात्री का नाम है, इधर आपका विशेष लगता है। ठीक है, तो हिंसांग जो आपका 636 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा और हर्षवर्धन के समय में भारत आया, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था आपका हर्षवर्धन हिंसांग भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा। ठीक है, तो भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में आपका हिंसांग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फायन, जो कि आपका 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया और चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, फायन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीर सिंह, तो वीर सिंह आपका 671 से लेकर 95 ईस्वी के बीच में, तो 671 से लेकर 695 ईस्वी में आया था और ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो सिंह आपका समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है, तो हिंसांग आपका 636 से लेकर 645 ईस्वी में आया था, फायन आपका 399 से लेकर 414 ईस्वी में आपका भारत में रहा था और सिंह आपका 671 से लेकर 695 ईस्वी में आया था। ठीक है, चीन में दूध भेजने वाले शासक, तो चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन थे, तो आपके इधर शासक का नाम है, इधर आपका वंश और राज्य है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने चीन में आपका जो है दूध भेजा था, जो कि आपका हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। नरसिंह द्वितीय ने आप जो है दूध भेजा था चीन में और ये आपके नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के राजा थे। यशोवर्मन, तो ये आपके कन्नौज नरेश थे, तो यशोवर्मन आपके कन्नौज नरेश थे। कलोतुंग प्रथम आपके चोल वंश के राजा थे। ठीक है, तो कलोतुंग प्रथम आपके चोल वंश के राजा थे और इन सभी ने आपके चीन देश में जो है राजदूत अम्बेसडर भेजे थे। ठीक है, तो चीन में दूध भेजने वाले शासक, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, नरसिंह द्वितीय तो पल्लव वंश, यशोवर्मन
तो कन्नौज नरेश और कुलोत्तुंग प्रथम, तो आपका चोल वंश, ठीक है। बौद्ध धर्म और नालंदा, तो आपका बौद्ध धर्म और नालंदा का है। तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया कि महाविहार में 10,000 छात्र थे और जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे और जिन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री सिंह जिसने जो कि आपका 670 ईस्वी में भारत आया था, इसने नालंदा में यह आपका नालंदा आया था और इसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। तो इसके अनुसार इस महाविहार में नालंदा महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे, ठीक है। हेन सांग के अनुसार, तो हेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से हो रहा था और सिंह ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया और हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में सैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ हिंसांग ने किया था, ठीक है। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, तो कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया और जहाँ हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्त्रों का दान कर दिया। बाण भट्ट ने अपनी आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है। तो बाण भट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया, ठीक है। हर्ष को तीन नाटकों प्रियदर्शी का रत्नावली और नागनंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर में 15 कंप्लीट हो गया। तो आज के वस्ते आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।